अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बी, लेक्चर नंबर 2। और आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए टू ऑल टर्म्स का कि किसी भी सेंटेंस में हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ये समझेंगे तभी आपको समझ आएगी कि प्रोनाउंस क्या है और उसको किस तरह से आपने यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पार्ट होता है सेंटेंस का जो हमें बताता है कि जुमला किसके बारे में है या जुमले में कौन मेन रोल प्ले कर रहा है या कौन काम कर रहा है। जबकि बाकी जो पार्ट है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होता है या जो जुमले में हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, उस हिस्से को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखें इस एग्ज़ाम्पल में, अली वॉज ईटिंग अ सैंडविच। अली सैंडविच खा रहा था। कौन इसमें मेन रोल प्ले कर रहा है? अली। तो अली हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। अब उसने काम क्या किया है? वॉज ईटिंग अ सैंडविच, जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है सैंडविच, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। ठीक है, तो सेंटेंस के जो टू पार्ट्स हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये आपको क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या है। अब जो प्रोनाउंस हैं वो हमारे पास जुमले में एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो जाते हैं और एज अ प्रेडिकेट भी यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वर्ड बोलूँगी, मैं बार बार आपको नहीं एक्सप्लेन करूँगी कि प्रेडिकेट क्या चीज़ है। आप लोग इस एग्जांपल में देखें, अली बॉट द बुक बिकॉज अली वॉन्टेड टू रीड इट। हमने जस्ट नाउन को ही दो दफ़ा यूज़ किया है। ठीक है, तो इससे जो सेंटेंस है वो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन यूज़ करते हैं, अली बॉट द बुक बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीड इट। हमने अली को रिप्लेस किया है यहाँ पे ही से। तो ये जो ही हमने यूज़ किया है अली के रिप्लेसमेंट में, ये क्या है हमारे पास? प्रोनाउन। इसी तरह से अगर यहाँ पे किसी फीमेल का नेम होता तो आप यहाँ पे शी यूज़ करते। ठीक है, आप अपने बारे में बात कर रहे होते तो आप आई यूज़ करते। इसी तरह से आपके पास कुछ प्रोनाउंस के ये वर्ड्स हैं जो एज अ प्रोनाउन यूज़ होते हैं, आई, वी, दे, ही, शी, इट और यू। इनको हम एज अ प्रोनाउन यूज़ करते हैं। हम जुमले में एज अ सब्जेक्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं और एज अ प्रेडिकेट भी यूज़ किया जा सकता है। अब प्रोनाउन यूज़ क्यों किए जाते हैं? कि सेंटेंस में कई दफ़ा ऐसा होता है आप किसी के बारे में ऐसे लिख रहे हैं या आपने नाउन को बार बार रिपीट करना होता है तो आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। एक अगर पर्सन की बात हो रही है तब तो आप इजीली कर लेते हैं, चलो फिर शायद इतना बुरा ना लगे जुमले में। लेकिन अगर आपके पास 3-4 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल हानिया, अली, समाहा, डू दिस एंड डैट, गो देयर एंड, जो भी आप कोई बात कर रहे हैं तो बार बार उन सबके नेम यूज़ करेंगे। या फॉर एग्जाम्पल 5 to 6 आपके पास नेम्स हैं तो इस तरह से आपका सेंटेंस बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं कि नाउन्स को हम बार बार यूज़ ना करें, उसकी जगह हम उसको रिप्लेस कर दें अपनी आसानी के लिए किसी प्रोनाउन के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, सारा वाज क्राइंग सो सारा फादर गेव सारा बाइसिकल। सारा रो रही थी, सारा के फादर ने सारा को एक बाइसिकल खरीद के दी। अब आप देखें, इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी है कि उसमें आप जब बार बार नाउन को रिपीट करते हैं तो वो सेंटेंस इतना अच्छा नहीं लगता देखने में भी। इसके अलावा सेंटेंस कम्प्लेक्स भी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम इन नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं किसी प्रोनाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सारा वाज क्राइंग सो हर फादर गेव हर अ बाइसिकल। सारा रो रही थी इसलिए उसके फादर ने उसको बाइसिकल लेकर दी। यहाँ पर हमने सारा को रिप्लेस कर दिया हर से, यानी हमने प्रोनाउन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो प्रोनाउन का यूज़ आपको समझ आ गया कि प्रोनाउन को हम लोग प्रोनाउंस को कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए, सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। कुछ प्रोनाउंस मैंने आपको दिखा दिए हैं, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, यू। ठीक है, ये जो हैं वो एज अ प्रोनाउन ये वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब हम इसे एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हों। इन्हीं वर्ड्स को अगर आपने एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो इनको हम चेंज कर देते हैं। जैसे आपने अली के केस में अली को चेंज किया ही में, ठीक है, इसी तरह से अगर ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता तो हम इसको हिम में चेंज कर देते। सारा के केस में अब फीमेल, यहाँ पे फीमेल का नेम होता तो हम लोग उसको शी में चेंज करते। इसी तरह से अगर ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा होता जैसे इस केस में है तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है हर से। ठीक है, तो फिर हम लोग ही को जो है वो हिम में चेंज कर देते हैं अगर हम उसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमारे पास आ जाए तो प्रेडिकेट वाले पार्ट में आप उसको हिम से रिप्लेस कर देते हैं, शी को आप हर, जैसे आपने इस एग्जांपल में देखा है। ठीक है, इट जो है वो इट ही रहता है और इट आमतौर पर आप लोग बेजान चीज़ों के लिए या समटाइम्स आप एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये थे आपके पास प्रोनाउंस। आपने देखा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं।
ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं सेंटेंस में। क्यों हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंस को? ताकि हम सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट ना करें, सेंटेंस को कम्प्लेक्स होने से बचाएं। अपनी आसानी के लिए हम नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं किसी वर्ड के साथ। ठीक है, तो वर्ड्स भी आप लोगों ने देख लिए कौन कौन से हैं। आपने ये भी देख लिया कि प्रोनाउन चाहे वो सब्जेक्ट का पार्ट होता है नाउन, तब भी आप प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। अगर वो प्रेडिकेट का पार्ट है तब भी आप उसको प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम इससे रेलिवेंट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बुक्स पर आ जाएं आप लोग। सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन देखें। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस द नाउन विदाउट रिक्वायरिंग एनी अदर चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस। प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में भी देखा है कि सारा को रिप्लेस कर दिया हमने शी से, दुआ एंड सिकंदर को हमने रिप्लेस किया था दे से। रिक्वायरिंग एनी अदर चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर बाकी किसी किस्म का कोई मीनिंग में चेंज नहीं आता, मीनिंग वैसा ही रहता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सेम रहता है। जस्ट हम क्या करते हैं कि बार बार नाउन रिपीट करने से बचने के लिए उसकी जगह हम लोग प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। अब आप लोग देखिए अपनी बुक में क्वेश्चन ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड्स। माय कजन्स आर कॉलेज स्टूडेंट्स, मेरे कज़न कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज के तालिब इलम हैं। डैश गो टू यूनिवर्सिटी कॉलेज, और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं। अब आप देखिए माय कज़न्स, यहाँ पे प्लूरल यूज़ हो रहा है। जब ज़्यादा लोगों की बात हो रही होती है आपके अपने अलावा, आप किसी और की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या लगाते हैं? दे। तो यहाँ आ जाएगा माई कज़न्स आर कॉलेज स्टूडेंट, दे गो टू यूनिवर्सिटी कॉलेज। सेकेंड में देखिए माई सिस्टर विल लीव टूमारो, मेरी बहन कल रवाना होगी। वी विल मिस डैश, और मैंने आपको बताया था कि जब किसी फीमेल को आपने एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, यानी वैसे तो आप शी यूज़ कर सकते हैं या माई सिस्टर या सारा, कोई नेम भी हो सकता था इधर। अब ये तो यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट। अब अगर आपने इसको यूज़ करना है एज एन ऑब्जेक्ट, तो ये शी चेंज हो जाता है या फीमेल का नेम चेंज हो जाता है हर में। माई सिस्टर विल लीव टुमारो, वी विल मिस हर। तो अब क्योंकि फीमेल का नेम था तो हमने इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया हर के साथ। यहाँ पे अगर होता माई ब्रदर तो हम यहाँ पे कर देते हिम। माई ब्रदर एंड आई लव माई सिस्टर वेरी मच, मेरा भाई और मैं अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। माई सिस्टर आल्सो लव्स डैश, हमारी बहन भी हमसे मोहब्बत करती है। अब आप अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, और अगर आपने अपने बारे में बात करनी हो ज़्यादा लोग हों तो आपको पता है एज अ सब्जेक्ट आप यूज़ करते हैं वी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुमले के एंड में आ रहा है एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो वी को मैंने आपको बताया था चेंज कर देते हैं अस से। वी वॉन्ट टू बाय अ वीडियो गेम, द वीडियो गेम विल बी डैश, हम एक वीडियो गेम खरीदना चाह रहे हैं। हम यानी ज़्यादा लोग, अपने अलावा को एक ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो हम लोग वी का वर्ड यूज़ करेंगे। द वीडियो गेम विल बी ours, तो अगर वी है तो फिर आप इसको चेंज करेंगे कि वीडियो गेम जो है वो हमारी हो जाएगी, तो आपने इसको चेंज कर देना है ours से। अली एंड मारिया वॉन्ट टू मीट यू, डैश विल विजिट डैश टूमारो, अली और मारिया आपसे मिलना चाहते हैं। एंड डैश विल विजिट, और वो विजिट करेंगे आपको, वो आपसे मिलने आएंगे। वो ज़्यादा लोग हैं अली एंड मारिया, एक से ज़्यादा हो गए तो फिर आपने यूज़ करना है दे, क्योंकि इसमें आप खुद शामिल नहीं हैं तो फिर आप इसको वी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने आप किसी और की बात बता रहे हैं तो आप इसको चेंज करेंगे दे से। विल विजिट यू, आपको विजिट करेंगे, और यू आपको पता है एज एन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों केसेस में यू ही रहता है। टुमारो, चलिए अब क्वेश्चन बी देखें। चूज सूटेबल प्रोनाउंस टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें आपको वर्ड्स दिए हुए हैं माई टीचर एंड आई, मी एंड माई टीचर, आई एंड माई टीचर एंड मी। अगर आपने जुमला शुरू करना है और आपने अपने अपने टीचर के बारे में बात करनी है और आपको नहीं पता चल रहा कि आपने किससे जो है वो सेंटेंस स्टार्ट करना है, प्रोनाउन आप कैसे यूज़ करेंगे, मतलब आप टीचर को पहले रखेंगे या अपने आप को, तो आपने जब अपने बारे में हमेशा बात हो रही होती है तो आप अपने साथ जो दूसरा शख्स है उसको आप पहले रखते हैं। जैसे माई टीचर एंड आई, आप इस तरह से जुमला शुरू करेंगे, हैव ऑलरेडी डिस्कस द मैटर, हम पहले से ही मामला डिस्कस कर चुके थे। आई थिंक यू एंड मी, आई एंड यू, यू मी, यू एंड आई। अब फिर आपकी अपनी बात हो रही है साथ किसी और पर्सन की बात है, तो आप उस पर्सन को पहले रखेंगे और अपने आप को बाद में। यू एंड आई विल मेक अ गुड टीम फॉर द क्विज। थर्ड देखिए मारिया एंड आई, मी एंड मारिया, आई एंड मारिया, मारिया एंड मी। अगेन आपके बारे में बात हो रही है, आई और मी यूज हो रहा है, यानी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, साथ जो है वो दूसरे पर्सन को आपने फर्स्ट पे रखना है और अपने आप को बाद में। आर गोइंग टू मैजिक शो दिस यस्टरडे, इस हफ्ते मैजिक शो देखने जा रही हैं। द ऑफर वॉज मेड ओनली टू डैश, ऑफर सिर्फ उनके लिए की गई, जिनके लिए ही एंड मी, हिम एंड मी, ही एंड मी, हिम एंड आई। अगेन देखें मी और हिम, यानी हिम वो कोई लड़का है जिसकी बात हो रही है, मी आप खुद हैं, तो आपने अपने आप को सेकेंड नंबर पर किया और उसको फर्स्ट पर रखा। तारिक एंड यू, यू एंड तारिक, यू
हैव टू प्रेजेंट एट द वेन्यू, तुम्हें और तारिक को वेन्यू में प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप तरह जुमले पे गौर करें, अब आप किसी दूसरे शख्स से मुहातिब हैं, यू, और उसके अलावा आप एक और पर्सन की बात कर रहे हैं। अब आप जिससे डायरेक्ट मुहातिब हैं, यू को हमेशा पहले रखेंगे, उसके बाद जो सेकंड पर्सन की बात हो रही है आपने उसको रखना है। यू एंड तारिक हैव टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू, तुम्हें और तारिक को वेन्यू में पहुंचना लाजमी होगा। लाजमी हैव टू का मतलब होता है मस्ट, लाजमी। यू एंड हीम एंड यू, ही एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द स्टेज रेडी, तुम और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उन्होंने स्टेज रेडी रखना होगा। अब फिर यू को डायरेक्ट जिससे आप मुहातिब हो रहे हैं, यू को हमेशा फर्स्ट पे रखेंगे, उसके बाद जिसकी बात कर रहे हैं उसको आप उसके बाद। जब आप अपनी बात कर रहे थे तो आपने अपने आप को सेकंड पे कर दिया था, जैसे माई टीचर एंड आई, मारिया एंड आई, यू एंड आई, जो डायरेक्ट आपकी अपनी बात हो रही थी। अब आप किसी और से मुहातिब हैं तो आपने उसको फर्स्ट रखना जिससे आप बात कर रहे हैं, और जो उसके साथ जिसकी बात हो रही है उसको आप सेकंड कर देंगे। द प्रिंसिपल वुड लाइक टू मीट यू एंड हर, तो आपने इधर भी क्या किया, यू जिससे डायरेक्ट मुहातिब हैं उससे आप बात कर रहे हैं तो आपने उसको पहले करना है, और हर किसी लड़की की बात हो रही है। प्रिंसिपल जो है वो आपसे और उस लड़की से मिलना चाहती हैं। सीमा सेट शी डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द पिकनिक विदाउट ही एंड यू, यू एंड हिम, हिम एंड यू, यू एंड ई। सीमा ने कहा शी डज नॉट वॉन्ट टू गो, कि वो नहीं जाना चाहती टू द पिकनिक विदाउट, किसके बगैर वो पिकनिक मनाने नहीं जाना चाहती, तुम्हारे और उसके। हिम से मुराद है कोई मेल है जिसको हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, ही को हमने रिप्लेस किया हुआ हिम से। तो यू को इस भी केस में आपने स्टार्टिंग में रखा। दुआ टोल्ड मारिया यू एंड आई, आई एंड यू, यू एंड मी, मी एंड यू विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट कंपटीशन। दुआ ने मारिया को बताया कि हम लोग, तुम और मैं जो है पार्टिसिपेट करेंगे डिबेट कंपटीशन में। तो आई अगेन आ गया और यू, अब दोनों इसमें ये एक अलग मतलब आपके पास टाइप आ गई जिसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने रूल्स पूरे कर रही हैं। जैसे आपको मैंने बताया था अपने बारे में बात हो रही, तो आपने अपने आप को सेकंड करना है और अपने साथ जिसकी बात हो रही है उसको फर्स्ट करना है, जैसे माई टीचर एंड आई, अपने आप को बाद में आपने रखा। इसी तरह यू जो था किसी से मुहातिब हो रहे थे तो आपने उसको फर्स्ट पे रखना था। तो अब आप इसमें देखें, आपने मुहातिब जिसको किया है उसको आपने फर्स्ट पे रखा है और अपने आप को फिर सेकंड कर दिया। दुआ टोल्ड मारिया यू एंड आई विल पार्टिसिपेट इन द डिबेट कंपटीशन।